सातिर वाहन चोर गिरफ्तार किए हैं। इनको इनका दो पहिया वाहन चोरी करने का गैंग है और इनके पास से कुल 4 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, 1 अवैध तमंचा और कारतूस और चाकू बरामद किया गया है। तो जो 6 गाड़ी बरामद हुए हैं वो इन्होंने अलग अलग थाना क्षेत्रों से चुराए थे, जिसके FIR से कनेक्ट कर लिया गया है। इसका मतलब जो भी गाड़ी इनके पास से बरामद हुआ है उसके लिए पूर्व से FIR पंजीकृत है विभिन्न थाना क्षेत्रों में। एक इत्मादपुर में पंजीकृत है, एक कोतवाली जनपद एटा में पंजीकृत है 978/21, एक थाना ताजगंज जनपद आगरा में 855/21, एक 76/21 लोहा मंडी आगरा में और 21/21 कमला नगर आगरा में। तो कुल मिलाकर इनके पास से इतने गाड़ी बरामद किए गए हैं और इनको आज जेल भेजा जा रहा है, इनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। ये इस बात की हम लोग जांच कर रहे हैं कि ये पूर्व में गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं, लेकिन इनके ऊपर हम लोगों ने जो इनके पास मोटरसाइकिल बरामद की उसको हमने ट्रेस किया तो विभिन्न जगहों मुकदमों में उसको हम लोग पाया। इनका नाम है दशरथ जाटो उर्फ फौजी और योगेश कुमार जाटो उर्फ नेता। इन दोनों को वाहन खराब कर रहे हैं वो किसी और वारदात में भी इस्तेमाल हुए हैं? अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, इन सब की जांच की जा रही है। तो चोरी के वाहन कबाड़े में बेचते थे या फिर लोगों को बेचते थे, क्या पता चला? ये चोरी के वाहन ये कबाड़े में अधिकतर बेचते थे और कुछ गाँव के क्षेत्रों में बेच दिया करते थे। अभी पूछताछ की जा रही है और जो भी सामने आएगा आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।